ही नहीं। तो हम इस लड़ाई को बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं देखें, हम इस लड़ाई को जनता वर्सेज बीजेपी की लड़ाई देखें, इस देश की जनता वर्सेज बीजेपी। और कांग्रेस का तो ये मोटिव है कि अगर हम ना जीते तो बीजेपी जीते। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, मगर लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं है। तो इस नैरेटिव को हमें तोड़ना है कांग्रेस। नहीं, क्या मतलब टीवी ऑफ कर देता है या सोचता है कि बकवास है या सोचता है कि सही बोल रहे हैं, क्या सोचता है ऐसे में? और ये वॉर मॉन्गरिंग कहाँ, मतलब किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ये लोग? देखिए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सच में वॉर हो ना हो, इनको आपस से, मैं बता रहा हूँ, इनको नैरेटिव सेट करना है, ठीक है ना। और जिस तरह दहाड़ते हैं कि पाकिस्तान तो इंडिया की, इंडिया तो पाकिस्तान की पुंगी बजा देगा, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की पुंगी बजाएगा, पर इकोनॉमिकली पुंगी बजाएं आप। आपने अब बहुत दिन से आप देख रहे हो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, आपके हिसाब से, वली रहमानी के हिसाब से, राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है बीजेपी को या पुलवामा अटैक ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है बीजेपी को? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष शर्मा और आज बहुत सारे टॉपिक पे बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए हमारे वीडियो में स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वली रहमानी। सबसे पहले वली, आपका स्वागत है इस वीडियो में, इस चैनल पे। 3 महीने पहले मुझे भी याद है बुलंदशहर में जब हिंसा हुई थी तब मैं आपके पास आया था, हमने बहुत सारी बातें करी थी और हमने ये सोचा था कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो किसी अच्छे मुद्दे के साथ मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मोदी जी का राज है वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका। फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि दूसरी बार आपने मुझे मौका दिया कि आपके ऑडियंस से मैं रूबरू हूँ और अपनी बातों को रख सकूँ उन तक। मैं आज कोई क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होने वाला क्योंकि वली ने अपना टाइम निकाला, स्पेशली बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो, तो कोई क्वेश्चन आंसर या कोई इंटरव्यू नहीं करने वाले। आज एक इम्प्रोम्प्टू बातचीत होने वाली क्योंकि वली जैसे बहुत सारे लोग इस इलेक्शन में वोट करने जाने वाले हैं, पहली बार इस इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने वाले हैं और उन लोगों को ही कहीं ना कहीं फोकस करके, उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करके बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे और 13 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब आप मान लीजिए लगभग यूपी में जितने वोटर्स हैं इतने लोग इस बार नए वोट करने जाने वाले हैं 2019 के इलेक्शन में। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद बार बार फोकस शिफ्ट करके, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर और कभी विंग कमांडर अभिनंदन के ऊपर, इस फोकस शिफ्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ा एक पूरे मिलेनियल पे जो पहली बार वोट करने जाने वाला है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताओ वली की, क्योंकि आप खुद इस सेक्शन से आते हो ऑफ सोसाइटी के जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं। तो ये पुलवामा अटैक, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एकदम नाम दे दिया गया जैसे 4.5 साल की सारी प्रॉब्लम हल हो गई है सर्जिकल स्ट्राइक से, और उसके बाद ये सारा फोकस शिफ्ट करके विंग कमांडर अभिनंदन, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा मिलेनियल पे? देखिए, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे इस लगता है कि आज एक ऐसा माहौल आ गया है जहाँ लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास नौकरी है या नहीं, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास खाने को है या नहीं, उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि सरहद पर पाकिस्तानी आर्मी मर रही है या नहीं मर रही है। तो आप एक बात को समझें, इस बात को कि पुलवामा अटैक होता है और उसके बाद ये सब कुछ जो हुआ, तो ये सब जो चीज़ हुआ है ये दो देशों के आर्मी के बीच में हुआ है। इसमें दो देशों के गवर्नमेंट को लाना और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और ऐसा एहसास दिलाना ये लड़ाई दो देशों की गवर्नमेंट के बीच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लड़ाई हुई है, अगर जो भी लड़ाई को, इसे लड़ाई ना कहें, ये जो भी इन्होंने एयर स्ट्राइक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, ये दो देशों के आर्मी के बीच में है। इसका श्रेय एक गवर्नमेंट ले लेता है तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। और ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ जिंगोइज़्म जो आ गया है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेशनलिज्म, देश प्रेम, मतलब हाइपर नेशनलिज्म, कि देश प्रेम हम तभी दिखा सकते हैं जब पाकिस्तानी आर्मी को मारे। हम देश प्रेम लोगों को देश में एजुकेशन देके नहीं दिखा सकते, हम देश प्रेम देश की सफाई करके दिखा नहीं सकते। मतलब ये जो एक इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि देश प्रेम दिखाना है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो तभी देश प्रेमी हो आप। मतलब अगर मैं देश के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं देश में भूखों को खाना खिला रहा हूँ, तो वो देश प्रेमी नहीं है। तो ये जो एक अलग नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले, जो सरहद पे लड़ाई करे और जो लड़ाई की बातें करे, जो अमन शांति की बात ना करे, वही देश प्रेमी है। जो अमन शांति की बात करे, जो भूखों नंगों खाना खिलाने की बात करे, वो देश विरोधी है, वो देश प्रेमी नहीं है। तो ये हम इस नैरेटिव को, हम इस नैरेटिव के खिलाफ हमारी लड़ाई है। देखिए, मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम बताया गया है, और ऐसा सिर्फ है नहीं बल्कि सच्चाई है कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मीडिया इज़ द आई एंड ईयर ऑफ पीपल। मतलब जो मीडिया दिखाता है, सुनता है, हम उस पर यकीन करते हैं, और आप देखें 90% मीडिया उनके हाथ में है। तो जो मीडिया हमें दिखा रहा है और हमें सुना रहा है, लोग यकीन कर रहे हैं क्योंकि लोग भोले भाले हैं,
वो तहकीकात करने नहीं जाते हैं। अगर मीडिया पे आर्मी ऑफिसर नहीं आता है बल्कि संबित पात्रा आके पहली बार ही कहते हैं कि 300 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, आतंकी मारे गए हैं, तो लोग तो जाएंगे ही तहकीकात करने कि आर्मी ऑफिसर ने कहा, कहाँ तक सच है ये बात। पर क्योंकि मीडिया के थ्रू ये बात आई है तो ये वायरल जाएगा और इनके पास एक अलग सेटअप है तो लोग यकीन कर रहे हैं इस बात पर। और ये मतलब मीडिया जो दिखा रहा है लोग यकीन कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है मोदी जी वापस आ रहे हैं 2019 के इलेक्शन में। उनके पास 200 सीट थे पुलवामा अटैक से पहले, अब पुलवामा अटैक के बाद 215 सीट उनके पास है। जहाँ जहाँ भी आर्मी की बॉडी गई है, जिस जिस गांव में उनकी बॉडी गई है, और जितने भी आर्मी मारे गए आप निकाल के देख ले, सारे दलित होंगे, आदिवासी होंगे, सारे पिछड़े जाति वाले होंगे। मगर उनके लाशों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता। अब आप बताएं किसी गाँव में एक शहीद का डेड बॉडी जा रहा है, आप बीजेपी के झंडे लगा करके उसकी लाश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी लाश पर अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आप, तो इससे ज़्यादा गिरा हुआ हरकत और क्या हो सकता है? ये जो बार बार आपको दिखाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि कौन कर रहा है पॉलिटिक्स इस पुलवामा अटैक के ऊपर, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये पॉलिटिक्स करने वाला और कोई नहीं है, ये पॉलिटिक्स करने वाली सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सर्जिकल स्ट्राइक 2 को किस तरीके से पॉलिटिकल एसेट बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोग लगातार ये चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं। और बिल्कुल वली ने जो बात बोली बिल्कुल सही है, दलित आदिवासी मारा गया और ये बीजेपी वाले उनकी डेड बॉडीज़ पे, उनकी शहादत पे इस टाइम पूरी तरीके से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये वाली कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है और मोदी जीत रहे हैं, इसमें कांग्रेस का कितना श्रेय जाता है? क्योंकि कांग्रेस, ये जो हुआ पुलवामा अटैक जो हुआ, उससे कांग्रेस का मोमेंटम ब्रेक तो हुआ है, ये बात में कोई दोराहे नहीं है कि कांग्रेस का मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ है। राफेल का जो चल रहा था या जो और चीज़ों पर अनएम्प्लॉयमेंट पर चल रहा था, जो आंकड़े आ रहे थे बार बार, कांग्रेस ने एक मोमेंटम बना लिया था और पुलवामा से वो ब्रेक हो गया है। तो कांग्रेस का इसमें कितना हाथ है कि ये जो सारी, अगर जीतती है बीजेपी तो कांग्रेस का हाथ होगा? तो ये आपका सवाल बहुत गलत है और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको गलत बोलने के लिए, इसलिए क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी के पुलवामा के बाद, मतलब पुलवामा होने के बाद बीजेपी का एक नया वापस से लहर आ गया, कांग्रेस का मोमेंटम टूट गया है। अब आप बताएं कि कांग्रेस का मोमेंटम क्यों टूटा, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इज़ कांग्रेस दी ओनली ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी? क्या कांग्रेस इस दिस 2019 के इलेक्शन क्या सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है? क्या समाजवादी पार्टी की बात क्यों नहीं की आपने? बीएसपी की बात क्यों नहीं की आपने? बंगाल में टीएमसी की बात क्यों नहीं की आपने? केसीआर की पार्टी की बात क्यों नहीं की? आंध्रा की पार्टी की बात क्यों नहीं की आपने? क्या आप तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी नहीं। आंध्रा में कांग्रेस जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी नहीं। क्या कांग्रेस बंगाल में जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी नहीं। तो हम इस लड़ाई को बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं देखें, हम इस लड़ाई को जनता वर्सेज बीजेपी की लड़ाई देखें, इस देश की जनता वर्सेज बीजेपी। और कांग्रेस का तो ये मोटिव है कि अगर हम ना जीते तो बीजेपी जीते। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, मगर लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं है। तो इस नैरेटिव को हमें तोड़ना है कांग्रेस के। दोबारा आता हूँ मैं अपने सवाल पे, आप शायद उस सवाल को सही से समझे नहीं। आपने अच्छी चीज़ है कि आपने बताया आगे भी कि और पार्टीज़ भी हैं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उस चीज़ से। लेकिन अगर बीजेपी आज की डेट में जीतती है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि कांग्रेस मोमेंटम ब्रेक हुआ और कांग्रेस पहले से ही अपने रिजिड एटीट्यूड पे चल रही थी, कांग्रेस कई जगहों पर गठबंधन नहीं करना चाह रही, कई जगहों पर सीटें नहीं देना चाह रही, इस सब में यही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था कि इस सब में कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ होगा? क्योंकि कांग्रेस प्रोएक्टिवली कुछ चीज़ करना नहीं चाह रही है, इंटेंशनली उन चीज़ों को रोक रही है। तो जाहिर सी बात है अगर आज की डेट में मोदी जीतते हैं तो उसमें कांग्रेस का क्या रोल होगा, कांग्रेस की क्या भूमिका होगी ऐसे में? क्योंकि इंटेंशनली ये था मेरा सवाल आप। अच्छा, इस पे हाँ अच्छा, तो देखिए एक तो ये कि पहले राहुल गांधी जी सपना देख रहे थे कि वो पीएम बनेंगे, पहले पुलवामा अटैक से पहले भी पीएम नहीं बन रहे थे वो, और पुलवामा अटैक के बाद तो उनके पीएम बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पहले 1% चांस थे तो वो चांस भी नहीं है कांग्रेस का। और दूसरी बात ये कि उन्होंने प्रियंका गांधी को उतारा यूपी में, ये उनका ये कदम बीजेपी को हेल्प करना हुआ और बीजेपी को और मदद करना हुआ। आप देख रहे हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी बीएसपी साथ में गठबंधन कर रहा है, इसलिए कर रहा है ताकि बीजेपी को हरा सकें आप। और जिस स्टेट में वो गठबंधन कर रहे हैं, जिस स्टेट में बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी स्टेट में प्रियंका गांधी को उतार देते हैं, आप उनके साथ गठबंधन नहीं करते हैं। तो ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना तो क्या हुआ? और अरविंद केजरीवाल पिछले 3 महीने से कांग्रेस से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि आप हमसे कोलिशन कर लें, आप प्री इलेक्शन कोलिशन कर ले हमसे, आइए हाथ मिला लीजिए, साथ में मिलकर बीजेपी को हराते हैं हम दिल्ली में। पर वो तैयार नहीं है क्योंकि उनको अपनी पार्टी को बचाना है, उनको देश को नहीं बचाना है कांग्रेस को। तो ये लोगों को बताना है हमें कि कांग्रेस आज ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी कांग्रेस करने के दिखाना चाह रही है, पर ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस को जीतना है। कांग्रेस नहीं जीतती है तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि बीजेपी जीते ताकि 24 में हम जीत सकें। बिल्कुल,
पर उन्हें ये बात का एहसास नहीं हो रहा कि बीजेपी का इस बार जीत गई तो शायद 24 में उनको मौका नहीं मिले इलेक्शन लड़ने का। देखिए ये बात मैं इसको दोबारा क्वेश्चन को रीफ्रेम करके इसलिए पूछना चाहता था क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि वली जैसे जो यंगस्टर्स हैं, जो मिलेनियल है, वो समझता है ये चीज़ कि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, ये कांग्रेस और बीजेपी चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है। कांग्रेस प्रोएक्टिवली डिसीजंस ले नहीं रही, लोग खड़े हुए हैं कोएलेशन करने के लिए, लोग लाइन में लगे हैं कोएलेशन करने के लिए, रेडी हैं कोएलेशन करने के लिए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि 2024 में उसकी फाइट हो सीधा बीजेपी से, उसके पास पूरी ताकत आए, ताकत का बंटवारा नहीं चाहते ये लोग। वॉर मॉन्गरिंग का काम स्टूडियोज में लगातार चल रहा है, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, एक अमीश देवगन है, उनका तो कभी आवाज़ नीचे आती नहीं है। इसके बारे में हमारा मिलेनियल क्या, जब ये देखता है ऐसी न्यूज़, जब टीवी में इनको चिंघाड़ते हुए देखता है, चिल्लाते हुए देखता है, तो क्या सोचता है मिलेनियल? क्या मतलब टीवी ऑफ कर देता है, या सोचता है कि बकवास है, या सोचता है कि सही बोल रहे हैं, क्या सोचता है ऐसे में? और ये वॉर मॉन्गरिंग कहाँ, मतलब किस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं ये लोग? देखिए इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सच में वॉर हो ना हो, इनको आपस से, मैं बता रहा हूँ, इनको नैरेटिव सेट करना है, ठीक है ना। और जिस तरह दहाड़ते हैं कि पाकिस्तान तो इंडिया की, इंडिया तो पाकिस्तान की पुंगी बजा देगा, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की पुंगी बजाएगा, पर इकोनॉमिकली पुंगी बजाएं आप एजुकेशन के मामले में पुंगी बजाएं आप। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, इस सदी में लड़ाई बंदूकों से नहीं होगी, इस सदी में लड़ाई अब कलम से होगी। इन जो न्यूज़ एंकर में लोग बैठे हैं और ये चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं जंग जंग जंग, ये बंदूक की जंग की बात कर रहे हैं। अगर आप बंदूक की जंग की बात कर रहे हैं तो इनसे कहता हूं कि आप आर्मी के फ्रंट लाइन में जो पहली कतार में इन सबको खड़ा कर दें आप, या फिर अपने परिवार से किसी को भेजो, अपने परिवार से किसी को भेजें, ये नहीं भेजेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है तो बस नैरेटिव सेट करना, बीजेपी को जिताना है, इनका बस यही मकसद है कि जो फेक नेशनलिज्म है ये सोसाइटी में पैदा करना इनका है। और इन्होंने कितने पैसे लेके बैठे हैं ये, इनकी कोई ज़मीर नहीं है। तो हमें एक ऑल्टरनेटिव मीडिया सेट करना है, लोगों को बताना है कि अब 21वीं सदी में लड़ाई होगी अगर पाकिस्तान से तो कलम से लड़ाई होगी, कि एजुकेशन मामले में कौन आगे, इकोनॉमिकली कौन आगे है, इंटेलेक्चुअली कौन आगे है। अब 21वीं सदी में लड़ाई, अब पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो अब आप बताएं कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि आई डोंट नो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर किस चीज़ से होगी। आप वर्ड सुने, मैं जनता से बताना चाहता हूँ, आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे पता नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर किस चीज़ से लड़ी जाएगी, मगर हाँ अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो फोर्थ वर्ल्ड वॉर वो स्टिक एंड स्टोन से लड़ी जाएगी, पत्थर से और डंडों से लड़ी जाएगी। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के बाद दुनिया रहेगा नहीं, और रह भी जाए अगर तो फोर्थ वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो स्टिक और स्टोन से लड़ाई होगी हमारी। तो ये बेवकूफ़ बनाना वाला लोगों को, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, कितनी बार सबक सिखाएंगे आप? क्या आप इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा दीजिए, मान लीजिए क्या अगली बार पाकिस्तान फिर आप पर अटैक नहीं करेगा, कौन लेता है इसकी गारंटी? तो हम 21वीं सदी में रह रहे पढ़े लिखे लोग, आइए शांति की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, बैठ के डायलॉग हो सकता है, बैठ के चीज़ों का समाधान हो सकता है। हाँ, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आर्मी से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान में जो टेररिस्ट रह रहे हैं उनसे हमारी लड़ाई है। तो आप इमरान खान से मिलिए, उनके इंटेलिजेंस से मिलिए, आप उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की जो जो उन्होंने शेर दे रखा है, जो शरण दे रखा है उन्होंने आर्मी को, ख़त्म कीजिए आप बातचीत। पाकिस्तान के जो नॉर्मल लोग हैं क्या वो टेररिस्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारी दोस्ती उनसे फेसबुक पर, हमारी को कॉल पर बात होती है, तो वो बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है, वो भी अमन परस्त लोग हैं, हम भी अमन परस्त लोग हैं। ये जो ये नैरेटिव बना रहे हैं ना कि जंग जंग जंग, इससे बाहर आना हमें। और अब जंग होगी तो आखिरी बार कह रहा हूँ, कलम की जंग होगी, इंटेलेक्चुअलिज्म की जंग होगी, इकोनॉमिक जंग होगी। एक चीज़ फाइनल, आप इस टाइम जा रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं देश का हाल क्या है, ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, क्या देश का हाल है, क्या लग रहा है कि क्या मोदी इस बार फिर से मोदी सरकार, या इस बार नहीं होने वाला मोदी का बेड़ा पार? देखिए जावेद अख्तर ने बहुत सही बात कही थी अपने एक इंटरव्यू में कुणाल कामरा के साथ, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट लैंडस्केप, पॉलिटिक्स इज़ क्लाउडस्केप, हर अगले दिन पॉलिटिक्स का हवा बदल जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो मोदी जीत रहे हैं, पर अगर इस देश की जनता चाहे तो मोदी हार सकता है। वो कैसे, मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर आप उठा के देखें डेटा कि सिर्फ 31% जो वोटर्स हैं वो मोदी के वोटर्स हैं, तो बाकी 69% वोटर्स जो मोदी के वोटर्स नहीं हैं। तो मतलब अगर देश की 30% जनता मिलके एक इंसान को पीएम बना देती है, पर 70% जनता मिलके पीएम बनने से रोक नहीं सक रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। तो वोट्स डिवाइड ना हो इसके लिए हमें समझना है कि अगर हम बंगाल में हैं तो बंगाल में हम देख रहे हैं कि TMC जीत रही है तो हम TMC को वोट करें। अगर हम UP में हैं तो हम देख रहे हैं कि SP BSP जीत रही है तो SP BSP को वोट करें। अगर हम दिल्ली में हैं तो हम आम आदमी पार्टी को वोट करें। अगर हम तेलंगाना में तो KCR की पार्टी को वोट करें।
अगर हम आंध्रा में हैं तो अभी वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी जीत रही है, तो आप वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी को वोट करें। तो हमें स्टेट वाइज देखना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखना है कि हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा जो कैंडिडेट है जो स्ट्रांग है बीजेपी के खिलाफ, उसके खिलाफ वोट करें, उसके लिए वोट करें हम। तो हमें अभी कांग्रेस को छोड़ना होगा, अपनी जो पार्टी आइडियोलॉजीज को छोड़कर हमें उन सब बायस से उठकर ऊपर आना होगा। और ये लड़ाई, जैसे मैंने कहा आपको, इट इज़ नॉट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, इट इज़ जनता वर्सेज द बीजेपी ऑफ द कंट्री, जनता ऑफ द कंट्री वर्सेज द बीजेपी। तो हमें स्टेट वाइज देखने होंगे कि जिस स्टेट में जो पार्टी स्ट्रांग है, अपनी पुराने पार्टीज को सबको भूलकर उस पार्टी को सपोर्ट करें, ताकि बीजेपी को हरा सके हम और देश को बचा सके हम। वली ने यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया है और बहुत ही अच्छी बात है सोल्यूशन देना। हम बात तो करते हैं, चर्चा तो करते हैं, लेकिन सोल्यूशन बहुत लोग निकल के नहीं देते। एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये, आपने अब बहुत दिन से आप देख रहे हो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, आपके हिसाब से, वली रहमानी के हिसाब से, राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा फायदा दिला सकता है बीजेपी को या पुलवामा अटैक ज़्यादा फायदा दिला सकता है बीजेपी को? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है। देखिए, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ कि अगर इलेक्शन तक इन्होंने पुलवामा मुद्दा को गर्म रखा तो गर्म रहेगा मुद्दा, अगर पुलवामा मुद्दा भी ठंडा पड़ गया, वो काम नहीं आया, तो शायद फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठा देंगे ये लोग। पर मुझे लगता है कि इन्होंने एक फिक्स नेशनलिज्म पैदा कर दिया है। बीजेपी के पास आज ये पावर है कि अपने बीजेपी वोटर्स को वो ये कन्विंस कर सकती है कि भैया हमें राम मंदिर नहीं चाहिए। तो उनके पास ये पावर भी आज है कि वो लोगों के नैरेटिव सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नैरेटिव देखिए कैसे सेट करते हैं। एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, एक हमारी इंडियन आर्मी अटैक करती है, हमारी इंडियन एयरफोर्स अटैक करती है पाकिस्तान पे, दो एयरफोर्स हमारे फाइटर्स जट जाते हैं और हमारे एक विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा जाता है, तो ये सारे मीडिया चिल्ला रहे जेनेवा कन्वेंशन चीख रहे जेनेवा कन्वेंशन, पाकिस्तान ने उल्लंघन किया जेनेवा कन्वेंशन का। तो चलो भाई, पाकिस्तान उल्लंघन किया जेनेवा कन्वेंशन का, फिर पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया, तो उसके बाद ये तुरंत चिल्ला रहे पाकिस्तान डर गई। तो पहले पाकिस्तान जब पकड़ रखा तो कह रहे पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, अब जब पाकिस्तान ने छोड़ दिया फिर कह रहे पाकिस्तान डर गया। तो सारे नैरेटिव तो ये सेट कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव भी सेट कर सकते हैं कि हमें राम मंदिर नहीं चाहिए। अगर इनका इनकी बस चले तो ये भी कर देंगे, और इनकी जो अनभक्त हैं, अनभक्त जो है, इस पर भी बिलीव कर लेंगे कि हाँ भैया हमें राम मंदिर नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छा टर्म आपने उठाया, अनभक्त। अनभक्तों से डील करने का एक मंत्र बताओ हमारे, आप हमारे जो जितने भी लोग ऑडियंस देख रहे हैं, अनभक्तों से डील करने का आपका क्या मंत्र है, और उन लोगों को भी कैसे डील करना चाहिए अनभक्तों के साथ? पिछले 2 साल से मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ कि अनभक्तों को किस तरह डील किया जाए, मुझे अब तक नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम मिले तो मुझे तब तक मिल जाए, मैं आपको बता पाऊँ सोल्यूशन, अभी तो मुझे नहीं मिला है। देखिए, अनभक्तों का सोल्यूशन अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन लगातार हमारी भी लेबोरेटरी में काम चल रहा है। अनभक्तों की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 20-25% है, और वो मोदी जी को चाह के मोदी पीएम नहीं बना सकते। जो 70% लोग मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं, उनकी वोट डिवाइड हो जा रही है, वो डिवाइड ना हो हमें ये मेक श्योर करना है। आप लेबोरेटरी की बात कर रहे थे, क्या लेबोरेटरी? हमारी लेबोरेटरी भी काम कर रही है इस चीज़ पे कि अनभक्तों को कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि जब उनकी लेबोरेटरी काम कर रही है इस चीज़ पे कि नफरत कैसे फैलाई जाए, तो एटलीस्ट हमारी लेबोरेटरी इस चीज़ पे तो काम कर ही सकती है कि कैसे नफरत को रोका जाए, कैसे इन लोगों को ठीक करा जाए, कैसे ये जो प्रोग्राम रोबोट बन गया। आप ऑलरेडी उसका पार्ट हैं, जब आप हमारे को इतना आते हैं, टाइम देते हैं, तो आप उसका पार्ट ऑलरेडी बन जाते हैं। वली रहमानी के साथ ये हमारी खास बातचीत थी, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत छोटा संक्षेप में ब्रीफली, कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे, सब इम्प्रोम्प्टू था, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रिपेयर कर पाएँ इस चीज़ के लिए, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं था कि हम उनको ब्रीफ कर पाएँ। सारी चीज़ आपके सामने रखी गई कि मिलेनियल क्या सोच रहे हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले वो 13 करोड़ लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो बीजेपी से बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है, वो बीजेपी की ये लॉलीपॉप दोबारा खरीदने को तैयार नहीं है, और डेफिनेटली उनको समझ आ रहा है कि बीजेपी अपने मतलब के हिसाब से नैरेटिव सेट कर रही है। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और वली आपने समय निकाला उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहती है, और लास्ट टाइम भी जब आप आए थे आपने अपनी इनपुट दिया था तो बहुत लोगों ने सराहा था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, उम्मीद करते हैं फिर बहुत जल्द मिलेंगे, इसी तरह हम लोगों तक अपनी बात को पहुँचाते रहेंगे, और लोग अगर हम लोगों को लगे कि हमारी बातों में सच्चाई है तो लोगों से गुजारिश है कि इसको आगे फैलाएं आप। मैं चाहता हूं कि इस बार, पिछली बार हमने कहा था, लेकिन इस बार मैं सच में चाहता हूं कि हम अगली बार मिलें तो किसी पॉजिटिव चीज़ पे, पॉजिटिव बात पे डिस्कशन करें, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। अभी के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।